हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जब भी हम अपनी स्लैब यानी कि छत की ढलाई करवाते हैं तो प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण हम बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनके नुकसान हमें बाद में काफी बड़े देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी स्लैब में क्रैक्स डेवलप होना, सीलन या सीपेज की प्रॉब्लम आना और बरसात का पानी छत पर ही जमा होना एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों की कॉमन ही रहती है, पर अगर आप स्लैब कास्टिंग के समय कुछ सावधानियां रख लेते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो वे क्या क्या सावधानियां हैं और छत की ढलाई के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप भी अपना मकान बनवा रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आपको स्लैब कास्टिंग में सबसे पहले अपने सभी बीम्स की कंक्रीटिंग करनी होती है, वो भी प्रॉपर कॉम्पैक्शन के साथ लेयर्स में। बीम भरने के बाद ही आपको स्लैब की ढलाई शुरू करनी है किसी भी एक कोने से। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्लैब की कास्टिंग की शुरुआत करें तो सबसे पहले अपनी बीम की कास्टिंग करें। दूसरा है प्रॉपर कॉम्पैक्शन, मींस आपको कॉन्क्रीट की प्रॉपर कॉम्पैक्शन करनी है ताकि कॉन्क्रीट में किसी भी तरह के एयर बबल्स न रहें, जिसके लिए आपको कंक्रीट वाइब्रेटर का यूज जरूर करना है। और वाइब्रेटर मारते हुए इसे आपको सरिये से टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंक्रीट में वाइब्रेटर नहीं लगाते, मींस अगर आपकी कंक्रीट प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं होती है तो आपके कंक्रीट में वॉइड्स यानी कि छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, जिससे आपकी स्लैब में बरसात का पानी जाता रहता है और नीचे आपकी छत में सीलन आ जाती है। तो ऐसी सीलन से अगर आपको बचना है तो कास्टिंग के दौरान वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर थ्री, ऑलवेज यूज कंक्रीट मिक्सचर मशीन। आपको कंक्रीट बनाने के लिए हमेशा कंक्रीट मिक्सचर मशीन का ही यूज करना है, क्योंकि मिक्सचर मशीन में आपकी कंक्रीट अच्छे से मिक्स हो जाती है। कभी भी कंक्रीट मैन्युअली नहीं बनवानी है, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर फोर, कंक्रीट रेशो। आप हमेशा ध्यान रखें कि छत की ढलाई में आपको जो कंक्रीट रेशो यूज करना है वह कभी भी M20 ग्रेड यानी कि 1.5-3 के मिक्स रेशो से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें एक पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट के रखने होते हैं। नंबर फाइव, वाटर सीमेंट रेशो। आपको कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है, यानी कि आपके कंक्रीट में पानी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। ज्यादा पानी कंक्रीट की मजबूती को कम कर देता है, यानी कि स्लैब कास्टिंग के समय आपकी कंक्रीट से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसे टेक्निकल भाषा में कंक्रीट ब्लीडिंग बोलते हैं। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपके कंक्रीट में पानी ज्यादा हो जाता है, और ऐसे में पानी अपने साथ कंक्रीट की सीमेंट भी लेकर निकलता है, जिससे कंक्रीट में एग्रीगेट और सैंड के बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है और इस वजह से भी सीपेज की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप कंक्रीट में पानी की मात्रा का भी खास तौर पर ध्यान रखें। नंबर सिक्स है कंक्रीट टेम्परेचर। आपकी कंक्रीट का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है फिर आपको इसमें आइस यानी कि बर्फ ऐड करनी पड़ती है, पर ऐसा सिर्फ ज्यादातर गर्मी के मौसम में ही होता है, और वो भी तब जब आपके कंक्रीट को बने ज्यादा समय हो जाता है। इसीलिए हमेशा आपकी कंक्रीट बनने के बाद आधा घंटे के अंदर अंदर ही है प्लेस हो जानी चाहिए, तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर सेवन, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। अब आपको स्लैब की कंक्रीट में वाटर प्रूफ सीमेंट और वाटर प्रूफिंग केमिकल्स जरूर यूज करने चाहिए, जो लगभग हर सीमेंट की कंपनी बनाती है। इसके आपको मेनली 4 बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि ये आपके स्लैब के सरिये में जंग नहीं लगने देती, क्योंकि ये आपकी स्लैब में पानी ही नहीं एंटर होने देती। वाटरप्रूफ सीमेंट में पानी को ज्यादा देर तक लॉक करने की क्षमता होती है। दूसरा, वाटरप्रूफिंग केमिकल आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे काम करना और इजी हो जाता है। तीसरा, ये आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और चौथा, ये आपकी स्लैब में किसी भी तरह की सीपेज नहीं होने देते, इसलिए आपको अपनी स्लैब की कंक्रीट में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड जरूर ऐड करने चाहिए। नंबर 8, प्रॉपर स्लोप। आपको स्लैब के प्रॉपर स्लोप का भी खास ध्यान रखना होता है। आपकी स्लैब का ढाल ड्रेन की तरफ अच्छे से बनवाना होता है ताकि आपकी स्लैब पर एक बूंद भी पानी न रुक पाए, क्योंकि अगर स्लैब का स्लोप प्रॉपर न हुआ तो छत पर पानी हमेशा रुका रहेगा और आपको कुछ इस तरह की सीलन अपनी छत में देखने को मिलेगी। तो स्लैब के ढाल का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 9, यूज 20 mm और 12 mm एग्रीगेट इन 60-40 रेशो। इट मींस प्रैक्टिकली मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप छत के लिए कंक्रीट बनाते हो तो उसमें पूरा 20 mm का एग्रीगेट यूज करने के बजाय आप 20 mm और 12 mm दोनों एग्रीगेट को 60-40 की रेशो में यूज करें, यानी कि 60% 20 mm और 40% 12 mm का एग्रीगेट।
इससे आपको फायदा यह होगा कि इससे आपकी कंक्रीट की कॉम्पैक्शन बहुत ही अच्छे से होगी, जिससे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ स्लैब में सीपेज के चांस भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा जरूर करें अपनी छत ढलाई की कंक्रीट बनवाते हुए। नंबर 10, ओल्ड एंड न्यू स्लैब जॉइंटिंग। यानी कि अगर आप किसी पुरानी स्लैब में नई स्लैब को जोड़ते हैं, तो पहली बात तो आपको पुरानी स्लैब इंक्लाइंड यानी कि स्लोप में तोड़कर दोनों स्लैब के सरिये आपस में अच्छे से टाई करने हैं, या वेल्ड भी कर सकते हैं। फिर आपको पुरानी स्लैब अच्छे से पानी से धोकर कास्टिंग से लगभग आधे घंटे पहले उस पर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट केमिकल अप्लाई करना चाहिए, ताकि कास्टिंग के बाद स्लैब में लीकेज या सीपेज की कोई समस्या ना आए। इसके लिए मार्केट में काफी ज्वाइंट कंपाउंड अवेलेबल है, जैसे सिकाडूर 32 LP, जो सिक्का कंपनी का प्रोडक्ट है, निटोबोंड का फास्ट रोक और डॉक्टर फिजिक 301 एक्सेट्रा। नंबर 11, आप हमेशा ध्यान रखें कि कास्टिंग शुरू होने से लेकर कास्टिंग कंप्लीट होने तक आपको एक कारपेंटर और एक हेल्पर परमानेंट स्लैब के नीचे प्रेजेंट रखना है, ताकि कंक्रीटिंग के समय अगर कोई प्रोप्स या सेटिंग सपोर्ट अपनी जगह से हिलने की कोशिश करे, वह तुरंत उसे साथ साथ ठीक कर सके। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है और एक कारपेंटर की परमानेंट ड्यूटी स्लैब के नीचे लगा देनी है स्लैब कास्टिंग के दौरान। नंबर 12, फिनिशिंग। कभी भी आपको स्लैब की फिनिशिंग एकदम स्मूथ नहीं रखवानी है, और खासकर तब जब आपकी स्लैब पर फ्लोरिंग होनी हो, तब आपको स्लैब की फिनिशिंग खुरदरी ही रखवानी है, ताकि फ्लोरिंग टाइल्स और पत्थर वगैरह लगाते समय इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 13, ड्राई सीमेंट स्प्रिंकलिंग। आप हमेशा ध्यान दें कि कहीं आपका मिस्त्री स्लैब फिनिशिंग में सूखी सीमेंट इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे ऐसा ना करने दें। आपको स्लैब पर ड्राई सीमेंट यूज नहीं करना है, नहीं तो इससे आपकी स्लैब में बहुत ज्यादा क्रैक्स आएंगे। नंबर 14, हॉट एंड रेन वेदर कंक्रीटिंग। यहां आप ध्यान दीजिएगा, अगर तो आप स्लैब की कास्टिंग एक हॉट वेदर मींस गर्मी के मौसम में कर रहे हैं, तो आपको कंक्रीट सरफेस को वेट गन्नी बैग से यानी के गीले जूट के बैग से पूरा कवर कर देना है कंक्रीट कास्टिंग होने के आधे घंटे के अंदर ही अंदर, और लगभग 4 से 5 घंटे आपको यह सरफेस कवर ही रखना है, ताकि आपके कंक्रीट सरफेस में नमी बनी रहे और इनमें क्रैक्स डेवलप ना हो। और अगर आप बरसात के मौसम में छत की ढलाई करवा रहे हैं, तो आपको कंक्रीट सरफेस तारपोलिन मींस प्लास्टिक से कवर कर देना है, ताकि आपका कंक्रीट से सीमेंट सलरी बाहर ना जाए। तो इन दोनों बातों का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 15 है कंक्रीट टेस्ट। वैसे आम लोगों के लिए यह करना काफी डिफिकल्ट है, पर मैं ये एक सिविल इंजीनियर के लिए बता रहा हूं कि एक सिविल इंजीनियर को कंक्रीट टेस्ट जैसे क्यूब टेस्ट, सलम टेस्ट और कंक्रीट टेम्परेचर टेस्ट साइट पर कास्टिंग होते हुए जरूर परफॉर्म करने चाहिए। इन टेस्ट के बारे में हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नंबर 16, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको छत पर कंक्रीट गिरानी है, वह 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरानी है, नहीं तो आपकी कंक्रीट में सिग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मींस आपकी गिट्टी और सैंड अलग अलग हो जाएंगे। नंबर 17 है वाटरप्रूफिंग। स्लैब की कास्टिंग कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद आपको स्लैब पर वाटरप्रूफिंग जरूर करवानी चाहिए। आज वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट पीडीलाइट 101 LWT काफी कॉमनली यूज किया जाता है, जिसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, जो आपकी सीपेज को लगभग 99% तक कम कर देता है। और लास्ट में आपको एक और इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है क्यूरिंग यानी कि स्लैब की तराई। स्लैब क्यूरिंग कास्टिंग के बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो आप पीछे बताई गई सभी बातें कितनी भी अच्छे से फॉलो कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, न ही आपकी स्लैब में मजबूती आएगी, इसके साथ साथ क्रैक्स और सीपेज का भी खतरा रहेगा। तो स्लैब की कास्टिंग के 12 घंटे बाद इसकी क्यूरिंग करना शुरू कर दें। इसके लिए आप स्लैब पर मोर्टार से पॉन्डिंग बनाकर उसमें पानी भरें। अकॉर्डिंग टू IS कोड आपकी स्लैब का क्यूरिंग टाइम 7 से 10 दिन का रहता है। अगर सर्दी का मौसम है तो 7 दिन इनफ होते हैं, और गर्मियों के मौसम में कम से कम 10 दिन तराई करनी है। तो मेनली स्लैब कास्टिंग के दौरान आपको इन 18 बातों का खास ध्यान देना है। आई होप कि अब आप इन्हें अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।